हम लोग स्टडी करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट के कुछ बहुत ही ज़्यादा सिंपल बट कंफ्यूजिंग टॉपिक के बारे में, जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। एनसीईआरटी के डायग्राम रही जिसमें सब कुछ बताया गया है। क्वेश्चन को हम लोग बिना टाइम को खराब किए हुए जल्दी से देख लेते हैं, शॉर्ट में नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर वाटर पोटेंशियल, तो बहुत ही गोल्डन लाइन याद कर लो। इसके लिए हम बोलेंगे मोर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉल्यूट लेस इट्स वाटर पोटेंशियल, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी वहाँ पे वाटर पोटेंशियल कम होगा। आंसर बी, सॉल्यूशन ऑफ विच चैम्बर हैज़ अ लोअर सॉल्यूट पोटेंशियल, इनमें से सॉल्यूट पोटेंशियल किसका कम है। तो हम यहाँ पे भी गोल्डन लाइन देना चाहता हूँ, यहाँ पे इतना याद रखना मोर द सॉल्यूट लेस द सॉल्यूट पोटेंशियल, मोर द सॉल्यूट लेस द सॉल्यूट पोटेंशियल। तो हम बोलेंगे अगेन बी आंसर, इन विच डायरेक्शन विल ऑस्मोसिस अगर, ऑस्मोसिस कहाँ से कहाँ होगा। तो हम बोलेंगे लो सॉल्यूट टू हाई सॉल्यूट, मतलब हाई सॉल्वेंट यहाँ पे, यहाँ पे हाई सॉल्वेंट, यहाँ पे लो सॉल्वेंट। तो हम लोग बोलेंगे कि मूवमेंट होगा फ्रॉम ए टू बी। विच सॉल्यूशन हैज हाईएस्ट सॉल्यूट पोटेंशियल, तो क्या बोला था मैंने अभी थोड़ी देर पहले मोर द सॉल्यूट लेस द सॉल्यूट पोटेंशियल। तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे लेस से सॉल्यूट, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे हाईएस्ट सॉल्यूट पोटेंशियल होगा, मतलब आंसर हो जाएगा ए। देखा जाए तो बी और डी एकदम एंटागोनिस्टिक, अपोजिट एक दूसरे की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट इक्विलिब्रियम विच चैम्बर विल हैव लोअर वाटर पोटेंशियल, हम लोग बोलेंगे जब इक्विलिब्रियम की बात होनी चाहिए, जब दोनों ही जगह पे इक्विलिब्रियम आ चुका है तो फिर काहे का मूवमेंट होगा, या फिर क्यों लोअर वाटर पोटेंशियल या हाई पोटेंशियल की बात करेंगे। हम लोग बोलेंगे कुछ भी नहीं होगा, नॉट एट ऑल। नेक्स्ट, इफ वन चैम्बर हैज साई का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे साई के बारे में बताया गया है -200 kPa के बारे में, पास्कल का यूनिट होता है, और दूसरे वाले का -1000 kPa है, विच चैम्बर हैज द हायर वैल्यू ऑफ साई। तो हम बोलेंगे यहाँ पे कि यहाँ पे उसकी हायर होगी जिसका नेगेटिव में कम वैल्यू होगा, मतलब -1000। तो इसका आंसर होगा -1000, जो कि यहाँ पे है। तो ये देखा जाए तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल सिंपल से क्वेश्चन, लेकिन कंफ्यूजन बहुत टाइम बना रहता है, बहुत से बच्चों कंफ्यूजन आता है इसमें। तो ये सब के सब जो क्वेश्चन 6 क्वेश्चन थे उनके बारे में ये ब्रीफ आइडिया रहा। थैंक यू।